आज मैं आप लोगों के लिए तड़के वाली इडली की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल डाल के इसे आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के आपके रेडी होगी। आप इसे नाश्ते में बनाएं या आप एज ए स्नैक्स इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, आधी कटोरी मैंने दही लिए हैं और उसी में मैंने थोड़ी से पानी लिए हैं और उससे इसका ये घोल बना लूँगी। देखिए इसकी थिकनेस इतनी रखें कि ये हल्का गीला रहे, जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए ये अच्छे से फूल गई है, देखिए इसकी थिकनेस ये गाढ़ी हो गई है और मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक फूलने दिया था क्योंकि मुझे दूसरे काम थे तो मैंने इसे एक साइड में रख दिया था। लेकिन आपको यदि इंस्टेंट बनाना हो तो आप इसे 10 से 15 मिनट फुला के रखें और इसे बना लें। मैंने थोड़ी से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और बाकी कुछ वेजेस डाले, जैसे मैंने गाजर, शिमला मिर्च, चॉप किया हुआ प्याज, स्वीट कॉर्न डाला है। आप चाहे तो इसमें अपने पसंद का पत्ता गोभी है, जैसे और भी सब वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इधर मैं इसके में तड़के लगाऊंगी, इसमें मैंने ऑयल में थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी नैस में गोटा वाला जो उड़द की दाल आती है उसे डाला है, कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं और मैंने 8 से 10 काजू को चॉप करके इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम बंद करके आप काजू डालें ताकि काजू जले ना, और उसके बाद ये तड़के जो है कि आप इसमें लगा दें। सूजी और सारे तड़के और सब्जी को मिक्स करने के बाद आप उसमें एक पाउच इनो का डालें और उसी में आप अच्छे से थोड़ी सी पानी ऐड करें और उसके बाद इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। इनो डालने के तुरंत बाद ही आप इसे बना लें, इसके बाद आप इसे रखें ना। इधर इडली स्टैंड में मैं इसे डाल रही हूँ, आप चाहे तो ढोकले की शेप में भी बना के आप इसे कट कर सकते हैं, पर मैं इसे इस तरह से इडली जैसा बना रही हूँ इडली स्टैंड में, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के हमारी इडली रेडी होगी। ये तड़के वाली इडली बन के रेडी होगी तो आप इसे खाएंगे ना ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप एक बार अच्छे से चेक कर लें, 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से स्टीम में पकने दें ताकि सब्जी और जो इडली है वो अच्छे से पक जाए, उसके बाद आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी।